आप कोई फर्क तो बैठ गए, किसी बच्चे को बात करने में चले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री मनु महाराज के, तीन बेटी और दो बेटे हुए हैं। तीन बेटी में एक बेटी का नाम थी देवती। यदि ये माता देवती की शादी श्री कर्दम ऋषि को साथ में हो गई, लेकिन कर्दम शादी को बाद में फिर ऋषि भजन में बैठ गए और उनकी जो पत्नी थी अपना पति व्रता धर्म से पति को बड़ी से बात की। देखो जो माता है अपना पति व्रता धर्म को जानने करती है और पति को अच्छे तरह से सेवा करती है। हमारी संस्कृति क्या कहता है, पति ही परमात्मा है, पति ही परमात्मा है। इसलिए 10,000 साल तक पति ने भजन की, पत्नी ने बड़ी पति व्रता धर्म साथ में पति की सेवा की। देखो पति व्रता धर्म में कितने शक्ति है। जब ऋषि की आंख खुली उन्होंने ये भी भूल गए हमने कभी शादी किया हो, सामने देखा है कि डोगरी बैठ गई, बोले तुम कौन हो, बोले आपको याद नहीं आपने कभी शादी किए, बोले हो तुम वही देवती हो, बोले आप नहीं कही देवती। ये आपको से देवती प्रसिद्धि, ये तीनों बेटी कितने सुंदर थी। जब ये अपना आंगन में एक भाई को बोला और भाई बहन किया उधर जा, उधर जा बच्चे को मना कर, बच्चों को आप कोई पर बैठ गए। इसलिए इतने देखने में इतने ये सुंदर थी, इतने सुंदर ये थी, इनकी रूप देख करके देवता लोग भी बेहोश हो जाते थे। लेकिन अपने पति की सेवा करते करते एकदम भूली बन गए, देखा सामने बैठी हुई भूली बन गई। उनके पति व्रता धर्म को देख कर बड़े खुश हो गए, तुमको क्या चाहिए, जब शादी से पहले आप भगवान से क्या वरदान मांगे थे, क्या वरदान मांगे थे, तो यही वरदान मांगे थे, अगर आप मेरे बेटे बैठे हुए आओगे तो मैं भारी होगा। अभी भगवान बेटे बने हैं तो उन्होंने अपना मन से एक विमान सृष्टि किया जिसका नाम था कामक विमान। ऐसे विमान है जिसमें कोई पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं, वो अपने आप जैसे इच्छा करेगा वैसे उड़ेगा और कितने मील दूर तक, जिसमें सुंदर सरोवर है, राजमहल है, जिसमें चहल करेगा कमल फूल खिला हुआ, राजहंस निर्या करते हैं, अद्भुत सुंदर। ये अद्भुत सुंदर ये विमान है, इसको ऊपर खरीद करके आकाश मार्ग में उन्हें भ्रमण करते रहे और इनको बड़ी सुंदर सुंदर नौ कन्या जन्म हुई। कर्दम ऋषि बोले देवती अभी तो खुश हो गई, तुम नौ कन्या बेटी हो गए, बोले नहीं अभी तो ठाकुर जी बेटे बन कर नहीं आए, ये बेटियां तो शादी करके अपना अपना ससुर घर चले जाएंगे, अभी मेरे पास में कौन रहेगा। तो उन्हें पति की सेवा की तो कर्दम ऋषि के आशीर्वाद से भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि बन करके आते हैं। श्री भगवान श्री कपिल भगवान आते हैं, श्री कपिल भगवान की। जब कपिल भगवान आए अभी मैंने भगवान से वरदान मांगा, इसको इनको इसको इनको कब करो माय लॉर्ड, इसको इनको कब करो। अभी नियम है अगर घर में बेटियां आए बताओ पिता का क्या कर्तव्य है, सबसे पहले बेटियों को शादी दे। अगर लड़की सियानी हो गई क्या कर्तव्य है, जितने जल्दी हो बेटियों की शादी करा दो। आप लोगों ने बेटियों को शादी करवाई, कौन कौन शादी करवाए बेटियों को, आप बताओ कौन कौन बेटियों, आप देखना जब एक बेटी को शादी करते हैं इसका इसको कम करो। जब एक बेटी को हम शादी करा देते हैं पूरा घर खाली हो जाता कि नहीं। और मैंने सुना गुर्जर के घर में तो पता नहीं किलो किलो सोना चांदी दाम देते हैं और मोटर गाड़ी दाम देते हैं, बड़ी मोटी दहली देते हैं गुर्जर घर में। और जिनके घर में नौ नौ कन्या हो जाए आप बताओ नौ बेटियों को शादी करने के लिए कितने पैसा निकलेगा, कितने
दिखा रहे हैं एक व्यक्ति आपको भैया आपको फोन नहीं कर रहे फोन करके आना नहीं और यही बैठे पर एक ही काम रहे ये कर बैठे बस वृंदावन की हरी लाट की अब हम रख रहे हो अब बैठे पीछे आ जाकर बैठ जाओ अभी इनकी नौ नौ बेटियां हैं इसलिए कहते ना करते हैं उनको कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है जो व्यक्ति ठाकुर जी की भक्ति करते हैं ना आप लोगों ने नरसिंह भक्त का नाम सुने होंगे जब उनकी बेटी की शादी की समय आई उसको पिता तो दिन भर भक्ति करते थे भजन करते थे अभी बेटी की शादी पर कर पाए स्वयं ठाकुर जी बांके बिहारी स्वयं शादी कराने के लिए स्वयं ठाकुर जी शादी कराने के लिए भाग करने के लिए क्या शिक्षा देते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे ना ठाकुर जी सब कुछ काम ठाकुर जी अपने आप ठाकुर जी सारे काम को कर डालेंगे हैं एक समय से भी मनु महाराज जी अपना नौ बेटियों को लेकर के आई अपना है बेटी को पास नौ बेटे को लेकर के जब आए देखा ये नौ बेटियां इनकी और नौ बेटे इनकी भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है इसलिए एक साथ में शुभम शीघ्रम शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर देनी चाहिए मतलब बेटियों की शादी जितना जल्दी हो उतना जल्दी बेटियों की शादी करा देनी चाहिए एक साथ में घर आ गए एक घर में केवल तीन व्यक्ति रह गए पिता माता और बेटा लेकिन उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था मेरे प्रभु तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक घर में बेटा नहीं हो जाए है श्री कर्दम ऋषि घर छोड़ करके प्रभु की भक्ति में चले गए जब चले गए अभी घर में दो व्यक्ति माँ और बेटा लेकिन माँ को पता मेरे जो बेटा है ना ये भगवान है एक दिन माँ स्वयं आकर के अपना बेटे को पास में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ बेटा तू तो भगवान हो मैं स्त्री जाति हूँ स्त्रियों का मन कभी पीहर में कभी ससुर घर में कभी बेटा में कभी बेटियों में दुनिया में ज्यादा करके पुरुष लोग तो पैसा कमा कर घर में दे देती है इसलिए घर की स्त्री को कौन संभालती है ज्यादा करके इसकी चिंता है ये माताएं करती है क्योंकि घर की लक्ष्मी माताएं घर की लक्ष्मी मेरा मन तो बड़ा चंचल है इधर उधर भटकता है मेरे मन मेरे को ऐसे कुछ ज्ञान की बात बताओ जिससे मेरा बेड़ा पार हो जाए तब भगवान ने अपना माँ को उपलब्ध करते हुए बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते हैं बोले मान एव मनुष्यानां कारण बंधमोक्ष भगवान इको मन है ना ये मैं है देखो ये मान ने बोले चलो भागवत कथा हो रही है चलो भागवत कथा सुन लें ये मान ने बोला इसलिए आप लोगों ने क्या किया घर छोड़ करके भागवत कथा में आया लेकिन अगर ये मान बोलता अरे कथा में जाकर क्या होगा टीवी खोल कर बैठ जाओ ना सांस वो भी लड़ाई आ रही है नहीं तो कोई है नाटक आ रहे हैं घर में बैठो कथा में जाकर क्या होगा आप क्या करते हैं आप लोग घर में बैठे ये मन है जब ये मन को तुम भगवान की भक्ति में लगाओगे यही मन ही तुम्हें मुक्ति का कारण बन जाएगा लेकिन जब ये मन को तुम विषय में लगा दोगे फिर ये मन तुम्हें सीधा नरक ले जाए इसलिए माँ ये मन को तुम सत्संग में लगाया करो साधु संग में लगाया करो इसलिए कबीर कहते हैं भले संत तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने के संत तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने के अच्छी बने के I'm
राजस्थान गए, एक छोटी कथा सुनाई, मतलब एक साल एक बहेलिया ने दो तोते को पकड़ कर दिया है, कितने तोते को मेरे तरफ देखो कितने तोतों को लाए हैं, हमारा जो माता है ना, अगर कोई एक व्यक्ति कोई नया साड़ी पहन के जा रहे हैं सब उसको दर्द में देखते हैं और पत्थर दर्द में ध्यान नहीं देते, मेरे तरफ में देखो मेरे तरफ में कितने तोते पकड़ के आए, अरे जोर से बोलो दो तोते, एक तोते चढ़ा गया किसी सातों के पास और एक तोता चढ़ा गया किसी डाकुओं के पास। एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते बड़े जोर से प्यास लग रहा था और वो पानी ढूंढते ढूंढते पहुंच गया जो डाकुओं के पास, देखा सामने एक तोता पिंजरा में, अब जब वहां पर पहुंचा वो तोता चिल्ला रहा पकड़ो पकड़ो मारो मारो पीटो पीटो छीनो छीनो। राजा बोले भैया घर की तोता अगर ऐसे बोल सकता है घर की व्यक्ति ऐसे होगी कि उसको चोर जाता जाता वहां रहते हैं, वहां से तो उसने भागा और एक जगह पर गया, देखा वहां भी सामने एक तोता है, वो संतोष करने था, वहां पहुंचते ही वो तोता बड़ी मीठी मीठी बोली में बोल रहा था, स्वागतम आइए बैठो मीठा पानी पियो, राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण। वो संतोष सुन करके बोले भैया ये तोता इतना मीठा बोली बोलता है, सचमुच से वहां पर गया तो देखा वो संत का कुटिया था, इतने संत निकल करके आए और जितने तोते की मीठी बोली उससे भी ज्यादा मीठी बोली संतों की था और वहां पर बैठा गया तो उसको पानी पिलाया। तब उन्होंने तोते को पूछे भैया तुम्हारे दोनों का अंदर में ऐसी प्रवृत्ति कैसे होगी, एक घोसले में तो बोला हमारे साधु को पास में बैठो साधु बनोगे, साधु को पास में बैठो साधु बन जाओगे, इसलिए नहीं भगवान कहते मां नहीं संग रहे, इसलिए मां संतों की संग करो। बोले सत्संग से क्या होता है, भगवान कहते हैं बोले सतांग प्रसन्नता मम वीर्य संवितौ भवन्ति धृतिका नरसाय कथा ताचो सनातु अपभर्ग ब्रह्मणि सनायति भक्ति अनुक्रम शक्ति। बोले मां संतों की संग करने से धीरे धीरे उनका रंग भी चढ़ना शुरू हो जाएगा, वो जो मेरी सुंदर सुंदर कथा कहते हैं उनकी कथा सुनते सुनते तुम्हारी मन अपनी आप ठाकुर की चरण में लग जाएगी। पहले श्रद्धा भक्ति है तुमको साक्षात कृष्ण प्राप्ति हुई, इसलिए मां मेरे संतों का जो संग कहते हैं बोले आ प वर्ग ब्रह्मणि, प वर्ग मतलब प ह ब भ और म, जो पांच मृत्यु, जो व्यक्ति मेरे संतों की संग करेगा वो व्यक्ति जन्म मृत्यु का दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त हो गए, मेरे धाम में पहुंच गए, मेरे धाम को प्राप्त करेगा, इसलिए मां को संतों की संग कर। फिर हम लोग इसको संत समझते हैं, जैसे भगवान कपड़ा किसने पहन दिया, मोटे मोटे तिलक गले में मोटे मोटे माल, इसको तो साधु समझते हैं ना, लेकिन नहीं व्यक्ति ऊपर का देश है, लेकिन उसका जो अंदर की जो भावना है अंदर की जो स्वभाव है ये मेन वस्तु है। भगवान कहते हैं जो